ओ श्याम तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी ना लाए हैं, दर्शन दिखा दे रहे ना कहने ये आए हैं। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी ना लाए हैं, दर्शन दिखा दे रहे ना कहने ये आए हैं। सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। श्याम भक्त बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। श्याम क्या तैयारी आज की 500 वाली की? सबसे पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। विगत 72 वर्षों से, जी हाँ, मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है बताते हुए, सन 1952 में भगवान श्री युगल जोड़ी के विग्रह का यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह किया गया और उसके पश्चात यहाँ पर आज 72 वर्षों से श्री कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन उत्सव पर यहाँ पर संस्कारदानी जबलपुर में मथुरा वृंदावन के तर्ज पर बड़े हर्षोल्लास और बड़ी धूमधाम से आज जन्माष्टमी प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष की मनाई जा रही है। और यहाँ हमारे मंदिर का सबसे आकर्षण भगवान लड्डू गोपाल निकलते नगर भ्रमण पर भव्य शोभा यात्रा मंदिर प्रांगण से प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी, उसके पश्चात संस्कारदानी जबलपुर के विख्यात और प्रसिद्ध देवी गीत गायक भजन गायक अपनी प्रस्तुति करेंगे और उसके पश्चात इंदौर से आए हुए सत्यदेव महाराज जी शर्मा बंधु के मधुर वाणी से सभी श्रोता लोग रसपान करेंगे और अपने जीवन में पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। ये रात्रि 12 बजे भगवान लड्डू गोपाल का जन्म हमारे यहाँ सबसे प्रसिद्ध मंदिर का, वैसे तो माखन मिश्री का प्रसाद भगवान लड्डू गोपाल को चढ़ाया जाता है मगर जो श्री कृष्ण मंदिर गोरखपुर संस्कार नानी जबलपुर जो पूरे महाकौशल और पूरे देश में प्रसिद्ध है, हमारा धन्य का प्रचार, जी हाँ धन्य का प्रचार माना हुआ है। मैं इस चैनल के माध्यम से सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। सभी के जीवन में भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद बरसे। जय श्री कृष्ण।